और अगर वो बात किए तो कंपनी हमें सी बनाना चाहती थी इस फैन को लेके। पता नहीं कंपनी ने क्या सोच के इस फैन को मार्केट में निकाल दिया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शिव कुमार, आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक खुराफाती लौंडा। इस वीडियो में बात करने वाले हैं हैवेल्स लेगेंजा फैन के बारे में। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सिर्फ बोनैंजा के लिए बनाया गया है। बात करें सबसे पहले हम प्राइस की, तो यहाँ पे 3062 रुपीज का फ्लिपकार्ट पे देखने को मिल जाता है, 3325 का अमेजोन पे देखने को मिल जाता है, और 4000 के अबव यहाँ पे आपको हैवेल्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करें हम हाइलाइट्स की, तो हाइलाइट में यहाँ पे आपको आरपीएम 350 का देखने को मिलता है, पावर कंडीशन 72 वॉट्स का देखने को मिल जाता है, 4 ब्लेड्स है इसके अंदर। इसके अलावा मेटेलिक फिनिश का यहाँ पे आपको पेंट देखने को मिल जाता है। ओवरऑल आपको वेट यहाँ पे 5 kg का देखने को मिल जाता है। CMM की बात करें तो यहाँ पे 230 का देखने को मिल जाता है। बात करें अगर हम प्रोज एंड कॉन्स की, तो प्रोज में आपको यहाँ पे लुक बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलता है, जो कि एक प्रीम क्वालिटी का लुक आप कह सकते हैं, जिसको अगर आप ड्राइंग रूम में लगाना चाहें या फिर अपने एक वेल डेकोरेटेड रूम में लगाते हैं, तो ये फैन बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्म करने वाला है। इसके अलावा बात करें यहाँ पे मटेरियल क्वालिटी की, तो मटेरियल क्वालिटी में कुछ खास मेंशन तो नहीं करा गया, लेकिन पेंट क्वालिटी को मेंशन करा गया है। यहाँ पे आपको मेटालिक फिनिश का पेंट देखने को मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बहुत महंगे पेंट्स की बात करें तो यहाँ पे मेटालिक पेंट काफी ज्यादा बेहतरीन माना जाता है। इससे आपकी फैन की फिनिशिंग बहुत ज्यादा बेहतरीन देखने को मिलती है। इसके अलावा हम बात कर रहे हैं हम कॉन्स की, तो कॉन्स में बहुत ज्यादा भर भर के कॉन्स दिए गए हैं। कंपनी पता नहीं कहाँ पे पागल हमें बना रही थी या खुद बन रही थी, और इसके इंजीनियर्स पता नहीं क्या करते, लेकिन कॉन्स यहाँ पे बहुत ज्यादा दिए गए हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे आरपीएम, अगर आप मेरी वीडियोस को देखते हैं तो आपको पता ही होगा कि आरपीएम 380 से 400 के बीच में होना चाहिए, और यहाँ पे आपको आरपीएम 350 का देखने को मिल जाता है। इसके अलावा पावर कंजप्शन 72 वॉट्स का होता है इसमें प्रेजेंट टाइम, और आपको यहाँ पे 70 वॉट्स का मिनिमम पावर कंजप्शन चाहिए, क्योंकि 72 वॉट्स से 2 वॉट्स थोड़ा सा ज्यादा पावर कंजप्शन हो जाता है, लेकिन उसको हम एक बार डाइजेस्ट कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद यहाँ पे ऐसा कुछ कंपनी ने मेंशन नहीं करा है, ना ही ऑफिशियल वेबसाइट पे, ना ही फ्लिपकार्ट सेलर ने। तो यहाँ पे आपको डबल बॉल बियरिंग का सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है, ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं है। और इसके अलावा कंपनी ने यह भी मेंशन नहीं करा कि यहाँ पे आपको कॉपर बाइंडिंग मिलती है या फिर एल्यूमिनियम बाइंडिंग, यहाँ पे ऐसा कुछ खास मेंशन नहीं करा गया है। प्रोटेक्शन के नाम पे 0 है यहाँ पे, ना ही आपको एंटी डस्ट प्रोटेक्शन मिलती है, और ना ही यहाँ पे आपको क्रोजन रेजिस्टेंट की प्रोटेक्शन देखने को मिलती है। और अगर वो बात किए तो कंपनी हमें सी बनाना चाहती थी इस फैन को लेके। पता नहीं कंपनी ने क्या सोच के इस फैन को मार्केट में निकाल दिया है। जब हम बात करें कुछ बेसिक्स फैंस की, तो यहाँ पे आप फ्लिपकार्ट स्मार्ट बाय फैन को देख लीजिए, जो कि मैं यहाँ पे कोई स्पॉन्सर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप उसके एक बार फीचर्स देखिए जाके। अब वहाँ पे 1200 रुपये का फैन जो है वो इससे काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। लुक वाइज में हैवेल्स लेगेंजा ही बेहतरीन है, क्योंकि उसका लुक बहुत ज़्यादा प्रीमियम है। लेकिन अगर जो बेसिक फैन में फीचर्स की बात कर लें, 1200 और 3000 रेट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को आपको मिलता है। तो उसमें आपको बहुत भर के फीचर दिए गए हैं, और यहाँ पे एकदम खाली कर दिया गया है। और अगर हम बात करें तो एक ऐसा घर है जिसकी बाहर से डेकोरेशन तो बहुत ज़्यादा अच्छी है, लेकिन अंदर जाके देखते हैं तो शायद फटे हाल हैं। तो ओवरऑल मुझे भी यही लगता है, इस फैन के बाद कंपनी बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होगी, पता नहीं उससे क्या मिस्टेक हो गई है। अगर जो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो पे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए नमस्कार।